हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनली जो है वन यूआई 6.1 के बाद जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आ चुका है, ये बहुत ही पहले ही आ गया था। मैंने अभी नोटिस किया, मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा। अगर आपने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो कोई बात नहीं है, अगर आप मेरी तरह है जिसने इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, तो इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट रेडी टू इंस्टॉल लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव। यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन में अगर देखें तो यहाँ पर वन यूआई वर्जन 6.1, यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 14, ये कुछ वर्जन का नंबर है और इसका साइज जो है 358.39 MB के करीब है। और ये जो है सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अप्रैल 2024 यानी 2024 का अपडेट है। तो मैंने बहुत दिन से नोटिस नहीं किया था, अभी फिलहाल मैंने इसको नोटिस किया है, तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ने मुझे कहा था कि उनके अपडेट करने के बाद जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि किसी किसी के डिवाइस में जो है बैटरी का इशू आ रहा है, बैटरी जल्दी से जल्दी ड्रेन हो रहा है, किसी किसी के साथ जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है। तो आई होप ये अपडेट के बाद वो सब सारे चीज़ें फिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो चलिए जल्दी से इसको जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा डिवाइस जो है अपडेट हो गया है। चलिए सेटिंग में जाके यहाँ पर देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, योर फोन हैज़ बीन अपडेटेड। तो ये अपडेट किस लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कि वन यूआई 6.1 में काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि बैटरी ड्रेन हो जा रहा है जल्दी से जल्दी, बैटरी बैकअप अच्छे से नहीं दे रहा है, काफ़ी लोगों का जो है कैमरे में जो है मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। शायद ये अपडेट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो क्योंकि इससे जो है सारे इशू फिक्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।